Good morning students, today we are going to do the new chapter of your English grammar, chapter 13, I, we, you, she, he, it, they. Let's begin your chapter children. Before starting your new chapter, I want to ask you a question, what are naming words? You have done earlier in your chapter, earlier in your exercises that what are naming words? Naming words, names of person, place, animal or thing are called naming words. किसी भी person का नाम, किसी place का नाम, किसी animal का नाम या किसी भी thing के नाम को हम naming words बोलते हैं. Now children, today we are going to do the pronouns like I, we, she, he, it and they. See, now naming word example, Mohan likes to play. Mohan likes to play in the park. Okay, Mohan likes to play, he likes to play in the park. Now again and again Mohan is coming. Now in place of Mohan, Mohan is your naming word. Mohan is your pronoun, it, Mohan is your naming word. Now in place of Mohan, see, so many times Mohan name is come. Now what we do in place of Mohan, what we add he to it. Bar bar Mohan, 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 bar bar aa raha hai, uski jagah par bete, aap kya lagaoge? He use karoge, because Mohan is a boy, to aap he use karoge. He is the word used in place of Mohan. He aisa word hai, jo Mohan ki jagah use karoge, because aap कोई भी नेमिंग वर्ड है सेंटेंस में आप बार 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 यूज नहीं करते हो, वो ओवर हो जाता है. तो जब आप नेमिंग वर्ड्स की जगह पर जब आप कोई भी आप उसकी प्लेस में कोई वर्ड यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. उसे प्रोनाउन बोलते हैं बेटा. कोई भी नेमिंग वर्ड है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मोहन, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, मोहन गोज टू मार्केट, मोहन हेल्प हर मदर इन किचन. अभी देखो मोहन 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 इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स. तो मोहन की प्लेस पर यानी कि नेमिंग वर्ड की जगह पर जो भी आप वर्ड का यूज करते हो उसे आप प्रोनाउन बोलते हो. क्लियर? नाउ सम अदर वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड की जगह पर जो और वर्ड्स हैं जो आप यूज करते हो, दैट इज यू, शी, इट, दे, वी, ही, शी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाउ वी वर टॉकिंग दैट व्हाट आर प्रोनाउंस. वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड, जो वर्ड्स आप नेमिंग वर्ड्स की जगह पर यूज करते हो आर कॉल्ड प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, राम हेल्प हर मदर इन किचन. अभी देखो राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल डेली जाता है, राम किचन में अपनी मम्मा के साथ हेल्प कराता है. अभी देखो राम 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 कितनी बार राम आ गया, तो आप क्या करोगे? यू विल रिप्लेस इट. आप इसको नेमिंग वर्ड एक ही बार आता है बेटा सेंटेंस में, एंड सेकेंड टाइम व्हाट यू विल डू, राम को काटकर आप लिखोगे ही गोज टू स्कूल डेली. अभी फिर आ गया राम, आप यहाँ भी ही लगाओगे, ही हेल्प हर मदर इन किचन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज प्रोनाउंस जो होते हैं बेटा वो आप कैसे कैसे यूज करते हो. फर्स्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. प्रोनाउंस को यूज करने के लिए आप यूज करते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. एंड व्हाट इज देयर इन फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन में क्या होता है बेटा, जैसे कि आई, आई जब मैं अपनी खुद की बात करती हूँ, जब मैं मेरी बात करती हूँ तो मैं अपने लिए यूज करूंगी आई, जब मैं आपके लिए बात करूंगी तो मैं बोलूंगी यू. आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय. जब मैं दूसरे के लिए बात करती हूँ तो मैं यू बोलूंगी, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ आई एम अ गर्ल, लाइक दैट. ओके, नाउ जो आई है वो हमेशा सिंगुलर्स, ओनली फॉर वन. सिंगुलर्स मीन्स
वन के लिए, जो आई है बेटा इट इज यूज फॉर ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक के लिए यूज होता है। एंड दूसरी तरफ फर्स्ट पर्सन में वी भी यूज होता है, एंड वी इज यूज फॉर प्लूरल्स, मोर देन वन के लिए वी यूज होता है। जैसे मैं बोलूं कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, तो मेरे पास जो खड़ा है वो बोलेगा मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ, जो और एक पास में खड़ा तीसरा बंदा वो बोलेगा मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ। तीन जने हो गए। अब देखो जब थ्री हो गए तो थ्री के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, एक स्मॉल वर्ड इंग्लिश का वी, तो हम यूज करेंगे वी, मोर देन वन हो गए। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने अकेले की बात कर रही हूँ, देन आई विल यूज आई। इफ देयर इज मोर देन वन देन आई विल यूज वी। अगर एक से ज्यादा हो गए लोग तो हम बोलेंगे वी। क्लियर? नाउ सेकंड पर्सन, जब हम सेकंड पर्सन यानी कि मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, आप मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या हो, आप सेकंड पर्सन हो, तो आपके लिए मैं यूज करूंगी यू, यू। और जो यू है बेटा ये वन, वन के लिए भी, अगर कोई वन है तो उसके लिए भी यू यूज होता है, अगर एक से ज्यादा जने हैं तो भी आप यू यूज करोगे। क्लियर? तो फर्स्ट पर सेकंड पर्सन जो है आपका यू है, ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी, इट इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन, मैंने अपनी बात करी तो मैंने आई बोला, आपसे बात करी तो आप यू हो। जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन लाइक ही शी इट एंड दे। ही यूज होता है बॉयज के लिए, शी यूज होता है गर्ल्स के लिए, और इट का यूज होता है व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स और कोई भी ऑब्जेक्ट्स। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल ट्री, बेंच, टेबल, चेयर, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, और एनिमल्स लाइक डॉग, एलिफेंट, टाइगर, दीज ऑल आर नॉन लिविंग, सॉरी दीज आर एनिमल्स, ये सब एनिमल्स, एनिमल्स के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करेंगे इट। और दे का यूज होता है बेटा, दे इज ऑल्सो थर्ड पर्सन, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, तो दे वहाँ यूज होता है जब हम वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन देन इट इज प्लूरल, दे इज प्लूरल, ही इज यूज फॉर वन पर्सन, यानी कि वो सिंगुलर है, वन और मैनी आपने अपने फर्स्ट क्लास में किया चिल्ड्रन, ही वन के लिए यूज होता है, शी भी वन के लिए यूज होता है, लेकिन दे मोर देन वन के लिए, मैनी के लिए दे यूज होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज, लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज बेटा। अंडरलाइन द प्रोनाउंस, यू हैव टू अंडरलाइन द प्रोनाउंस। फर्स्ट इज वी आर प्लेइंग क्रिकेट, नाउ टेल मी इस लाइन में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस लाइन में वेयर इज योर प्रोनाउन, यस वी, वी इज योर प्रोनाउन वी। नेक्स्ट इज विल यू प्ले विथ मी, इसमें क्या है, विल यू प्ले विथ मी यू, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आप मेरे साथ खेलोगे, तो यू सेकंड पर्सन यू, तो यू क्या है प्रोनाउन है। थर्ड, थर्ड इज इट इज अ मैंगो ट्री, इट इज अ मैंगो ट्री, वो मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री इज अ इट्स अ नॉन लिविंग, इट्स अ वे टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, ओके हम बता रहे हैं कि वो एक वो मैंगो ट्री है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इट्स योर प्रोनाउन इज इट, इट इट इज अ मैंगो ट्री, ओके एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, ट्रीज के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप बेटा इट यूज करते हो, ही शी नहीं यूज करोगे, ओके। नेक्स्ट इज Next is they are hiding behind the mango tree. वो mango tree के पीछे छुपे हैं. It means there are more than one people. एक से ज़्यादा लोग हैं. तो where is your pronoun? Yes, they. They is your pronoun. They. Okay. These all are your
वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स हम नेमिंग वर्ड की जगह पर यूज करते हैं वो आपके प्रोनाउंस होते हैं, जैसे वी यू इट दे। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आई हैव टू कैच द बस, आई हैव टू कैच द बस। नाउ इन दिस सेंटेंस वेयर इज योर प्रोनाउन बेटा? I is your pronoun. You are a nice boy. Next sentence. You are a nice boy. इसमें क्या आपका pronoun है? You. Next. She loves dancing. इसमें क्या होगा pronoun? She loves dancing. She. तो बेटा जो भी words naming word की जगह पर use होते हैं like he, she, it, they, we, you, I, these all are your pronouns. Next exercise is write correct pronouns. Now in this sentence we are talking about a boy. एक boy की बात हो रही है, dash plays with his dog. हमने hint दिया है कि वो boy है, तो आप क्या लगाएंगे? Dash plays with his dog. क्या लगाएंगे? क्या आप it लगाएंगे? No, it तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे. Then what will you use? Boy है तो क्या use करेंगे? He. Yes, he. अगर इसकी जगह पर girl होती तो बेटा आप क्या use करते? She plays with his dog. Her dog. यहाँ पर boy की बात हो रही है तो हम he लगाएंगे. Now next is Reema. अब Reema है तो हमने पहले से hint दिया आपको कि Reema है. It means Reema is a girl. Reema is the name of a girl. तो fill in the blank here. Dash is running. तो आप he लगाएंगे? No. आप लगाएंगे she is running. Next is my friend and I. मैं हूँ और एक मेरा friend है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? Dash like to play cricket. तो क्या होगा? मैं और मेरे friend के लिए हम क्या use करेंगे word? हम. तो हम की English क्या हुई बेटा? We like to play cricket. We like to play cricket. मैं और मेरे friend के लिए मैंने use किया we. Clear. Next is. If we talk about a family. Now I gave you one hint. The family. अभी मैंने आपको एक hint दिया. Family की बात हो रही है. Dash bought a new house. उन्होंने नया घर खरीदा. तो आप family में तो एक person तो होता नहीं है. There are more than one person, more than one people. तो आप क्या use करेंगे बेटा? What will you use? We will use they. They bought a new house. वो नया घर लेकर आए, नया घर खरीदा उन्होंने. Okay? They will come. अब next is the tree. I gave you one hint. The tree. Tree की बात हो रही है. आप क्या लिखेंगे? Dash has pink flowers. उनके उसके pink flower हैं. तो ट्री के लिए आप क्या यूज करेंगे? ही शी इट दे. क्या यूज करेंगे बेटा? वी यूज इट. ट्री के लिए आप यूज करेंगे इट. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक चैप्टर 13 आई वी यू ही शी इट एंड दे. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.